हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट किड्स। आज हम आपके लिए एक एक्टिविटी लेके आए हैं जो एक्टिविटी नंबर बेस पे है। तो हमारे आज के नंबर है 1 डिजिट नंबर, जो कि नंबर रहेंगे 0 to 9। इसके आगे आने वाले वीडियोस में हम आगे के नंबर्स लेंगे, तो प्लीज़ मेरे साथ हर वीडियो में जुड़े रहिएगा। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो आज का जो हमारा गेम है उसका नाम हम देते हैं नंबर ट्री गेम। नंबर ट्री गेम में हमें एक ही नंबर को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पे सिर्फ 1 डिजिट नंबर लिए हैं। यदि 0 नंबर है तो 0 नंबर को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करोगे वो हमें इस एक्टिविटी में करना है। सो इस एक्टिविटी में हम एक नंबर को अलग अलग तरीके से जिस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हम सिंपल कार्ड्स लेंगे जिसमें हमारे नंबर हैं। अब सिंपल कार्ड्स में 0 नंबर तो नहीं रहता, तो हमने यहाँ पे 1 to 9 नंबर्स लिए हैं जो कि हम यहाँ पे लेंगे, जिसका हम यूज़ करेंगे। उसके बाद यदि आपके पास UNO कार्ड है तो बहुत अच्छी बात है, आप UNO कार्ड से भी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड थिंग, हम लेंगे डाइस जिसके थ्रू हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आपके पास डोमिनोज है तो हम डोमिनोज का भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर रिसिम्बल्स के लिए हम कुछ यहाँ पे नंबर्स ले रहे हैं जिसके थ्रू हम नंबर मैच करेंगे। और यहाँ पे नंबर क्वांटिटी मैच करने के लिए मैं कुछ क्वांटिटीज ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है जेंगा के पीसेस। आप इसके अलावा कुछ मार्कर्स यूज़ कर सकते हो, कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हो, आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है आप उसमें ये एक्टिविटी कीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं हम हमारी एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारी नंबर लाइन बनाएंगे जो कि रहेंगी 0 to 9। इस तरह से हमने यहाँ पे नंबर्स लगा दिए हैं 0 to 9। यहाँ पे यदि हमारे पास कोई नंबर क्यूब्स हैं इस तरह से, तो हम 0 को मैच करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे नंबर है 0, 0 को हमने मैच कर दिया। देन नंबर 1, देन नंबर 2, देन नंबर 3, ठीक है। मैं आपको पहले नंबर 3 तक करके बताती हूँ। यहाँ पे जो हमारे सिंपल कार्ड्स है उसमें हमें नंबर 0 तो नहीं है हमारे पास में, कार्ड्स में 0 नहीं होता है, तो हम लगाएंगे नंबर 1, नंबर 1 के पास, नंबर 2, नंबर 2 के पास, नंबर 3। आप बच्चों को वो भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, नंबर 3 में 3 नंबर ऑफ क्वांटिटीज होते हैं। सो मैच UNO कार्ड्स, UNO कार्ड्स में हमारे पास 0 है, 0, 1, 2, यहाँ पे हम 2 मैच कर देंगे, एंड 3। उसके बाद हम नंबर ऑफ क्वांटिटी मैच करेंगे। 0, 0 मीन्स नथिंग, यानी हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, नथिंग। 1, हम यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 रखेंगे। 2, बच्चों को हमें बताना है 2, 1, 2, आपको 2 को मैच करना है। देन 3, 1, 2, 3, 3 को मैच करेंगे। यदि आपके पास में मार्कर्स या कोई भी बोर्ड गेम्स की गोटियाँ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। 0 मीन्स नथिंग, यहाँ पे आप 1 लगा दो, हियर यू कैन पुट 2,
यहाँ पे आप नंबर ऑफ क्वांटिटी मैच करोगे 3। इसके बाद यदि आपके पास डाइस है तो डाइस पे नंबर होते हैं 1 to 6, और यदि आपके पास डोमिनोज है तो आपको डोमिनोज में हर नंबर मिल जाएगा, आपको इसमें 0 भी मिलेगा। तो यहाँ पे आप 0 नंबर मैच करोगे। हम यहाँ पे देखेंगे 0 नंबर कहाँ है, यहाँ पे कोई भी डॉट नहीं है, इट मीन्स इट्स 0। यहाँ पे 0 मैच करेंगे, देन 1, देन 2, दिस इज 2, 2, देन 3, 3, 3 मैच कर दिए। यहाँ पे आप डाइस भी मैच कर सकते हो, डाइस में 1, 2, 3। इसके साथ साथ आप बच्चों को फिंगर काउंटिंग सिखा सकते हो, 0 मीन्स नथिंग, 1, 1, 2, 2, 3, 3। इसी तरह से हमें आगे के नंबर्स करने हैं, तो हमें हेल्प करेगा रियांश। तो चलिए देखते हैं बच्चे इसको किस तरह से करेंगे। आप इसी तरह से आपके बच्चों को भी ये एक्टिविटी दे सकते हो और वो मैच कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे के नंबर्स को देखते हैं। 4, 5, 6, वेरी गुड, 7, 8, 9. Now you will match these number cards. Now you can match these Uno cards. 4, 5, 6, 7, 8, and 9. Okay. Now you can match the number of quantity with these Jenga pieces. How much you have to count? 4. 4, okay. चलो 4 count कीजिए. 1, 2, 3, and 4. Good. Now, dominoes. 4. You can find more 4. कैन यू फाइंड मोर 4? आप ढूंढ सकते हो उसमें? फोर, वेरी गुड, दिस इज ऑल्सो 4, यू कैन पुट इट हियर। ओके, गुड जॉब। नाउ 5. Sufficient. 6. 6. Okay. और 6 है कोई? ओके. और है? मुझे दिख रहा है 6. ओके. गुड जॉब. नाउ 7. ये भी 5. ओके. रख दो 5 पे. अपने पास और 3 डाइस बची हुई है, तो उसको मैच करके यहाँ लगा दो। नंबर 4, यस, नंबर 5,
नंबर सिक्स। इस तरह से यहाँ पे हमारा नंबर ट्री बनके तैयार है। हम नंबर ट्री के बेनिफिट्स ऑलरेडी पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। आप भी आपके बच्चों के साथ ये एक्टिविटी कीजिए। यदि आपको ये एक्टिविटी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।